स्वास्थ्य केंद्र पर किसान यूनियन अन्नदाता के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रिजवान ने अपने दर्जनों कार्यकर्ताओं और ग्राम पंचायत के प्रधानों के साथ पहुंचकर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर नरेंद्र कुमार को एक ज्ञापन देकर मांग की है कि ग्राम पंचायतों में बने शासन द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जिनकी हालत खस्ता है उन्हें 15 दिनों के अंदर ठीक कराकर उनके अंदर गाँव के मरीजों को देखने की व्यवस्था की जाए, क्योंकि इस समय देहात क्षेत्र में बीमारियां अपने पैर पसार रही हैं। गाँव के अंदर इस समय मच्छरों ने अपना आतंक मचा रखा है, तो वहीं मौसमी बुखार डेंगू मलेरिया अपने पैर पसार रहा है। कोरोना महामारी की वजह से लोगों के पास वैसे ही रोजगार नहीं है और ऊपर से परिवार में कोई बीमार पड़ जाए तो उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते जो शहर जाकर उसका महंगा इलाज करा सके। अगर स्वास्थ्य विभाग ने जो ग्राम पंचायतों में अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर साफ सफाई कराकर उनके अंदर दवाई और डॉक्टरों को तैनात कराकर समय से लोगों का इलाज कराएं तो गरीब लोगों को पैसा और उनकी जिंदगी बचाई जा सकेगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों की हालत इतनी खस्ता है कि स्वास्थ्य केंद्रों में बिल्डिंग जर्जर तो स्वास्थ्य केंद्रों के अंदर बड़ी बड़ी घास गंदगी फैली पड़ी है और उसे कोई स्वास्थ्य कर्मचारी देखने वाला नहीं है। अगर जल्दी गाँवों के अंदर इन स्वास्थ्य केंद्रों को शुरू नहीं किया गया तो प्रधान संघ और किसान यूनियन अन्नदाता स्वास्थ्य केंद्र मुंडा पांडे पर अनिश्चित काल धरने पर बैठ जाएगी। तो वहीं डॉक्टर रिजवान ने आशा संगनियों और आशाओं पर भी आरोप लगाया कि गांव में गर्भवती महिलाओं को डराकर सरकारी अस्पताल ना ले जाकर निजी अस्पताल में भर्ती कराकर उनका ऑपरेशन द्वारा बच्चा पैदा करा देती हैं और निजी अस्पताल से मोटा कमीशन वसूल कर रही हैं। इस कमीशन खोरी को स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जल्दी बंद कराएं। किसान यूनियन के अध्यक्ष उनके द्वारा आज में ज्ञापन दिया गया है और उनके जो इस ज्ञापन में उनके ये मांगे हैं वो ये हैं कि जो हमारे उपकेंद्र बनाए गए हैं, हमारे ब्लॉक में 32 उपकेंद्र हैं सरकारी, ज़्यादातर उनमें सरकारी हैं, बिल्डिंगों में हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो अभी भी प्राइवेट उसमें चल रहे हैं। तो उसमें जो ज्ञापन में इनके द्वारा मांग की गई है कि वहाँ पे जो है ना स्टाफ या डॉक्टर मतलब तैनात कम जगहों पे हैं, तो मैं उसके लिए आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे उपकेंद्र हैं वहाँ पे हमारी NMHG की नियुक्ति होती है, वहाँ पे वो ही कार्य करती हैं, टीकाकरण करती हैं वहीं पे, और वहीं पे ही जो VHND डे होता है बुधवार शनिवार को वो किया जाता है। लेकिन हमारे अभी स्टाफ 6 लोग LHV की ट्रेनिंग के लिए कहीं बाहर ट्रेनिंग के लिए गए हुए हैं और अभी हमारे पास इस समय 19 स्टाफ हैं जो कार्य कर रहे हैं, जो हमारी NMHG कार्य कर रही है। और तो जो समस्या थी कब तक लगता है उसका समाधान? यहाँ पर इन उपकेंद्रों पर डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं होती है, केवल LHV और जो NM या BSW की पोस्टिंग होती है। किन चीज़ों का अभाव मानते हैं, कुछ सेंटर पर कमी मानते हैं कि ये गवर्नमेंट से क्या कहना चाहेंगे कि इसका ये भरपाई पूरी होनी चाहिए? क्या लगता है आपको कुछ कमियाँ हैं? नहीं, कमी देखिए सरकार जो स्टाफ है हमारे पास वो जितना 32 उपकेंद्र है तो 32 लोग होने चाहिए, लेकिन उनके सापेक्ष हमारे पास 24 लोग हैं, यानी 6 रिक्त हैं। लेकिन कुछ उसमें से भी ट्रेनिंग के लिए गए हैं, जो उनका प्रमोशन होता है उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग पर गए हैं। जैसे ही आएंगे, इस महीने उनके 6 महीने ट्रेनिंग के पूरे हो रहे हैं, तो अक्टूबर को लोग ज्वाइन करेंगे आपके, तो हमारा और बढ़ जाएगा। और हमारा सरकार की जो प्राथमिकता है इस समय कोविड वैक्सीनेशन को लेकर है, और आज भी हमारे द्वारा 10 सेशन लगाए गए हैं क्षेत्र में और टीकाकरण का कार्य भी किया जा रहा है। हमारा समस्त स्टाफ अपने पूर्ण योगदान के साथ सभी प्रोग्रामों में लगे हुए हैं और अच्छे से उसमें कार्य कर रहे हैं। देखिए, आज मैंने जो ज्ञापन दिया है ये स्वास्थ्य केंद्र मोडा पांडे को लेकर के आया हूँ। यहाँ के डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी हैं प्रबंधक, इनको मैंने इसमें 7 मुख्य मांगे हैं जिसकी मैंने इनसे मांग की है। और क्षेत्र में जो जितने भी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान हैं उनके यहाँ पर ज़्यादातर स्वास्थ्य केंद्र सरकार के द्वारा से बनाए गए, उनमें आज तक भी कोई NM या कोई डॉक्टर या कोई भी स्टाफ वगैरह नहीं गया, जो कि बहुत बड़े बड़े उसमें पीड़ और घास गाड़ खड़े हैं, उसकी कोई देखभाल नहीं है। और मैं इसी चीज़ को लेकर के ज़्यादातर आया हूँ, क्योंकि क्षेत्र में इस वक्त वायरल का प्रकोप शुरू हो गया है, जगह जगह बीमारियाँ जो पनप रही हैं, और उसकी दवाई लेने के लिए क्षेत्रवासियों पर, क्योंकि पिछले लॉकडाउन के मारे हुए हैं, कोई कारोबार नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है, उसकी वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर के अपनी दवा की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, जिससे क्या जान को ज़्यादातर अधिकतर खतरा रहता है और इसमें कई सारे जान गंवा भी चुके हैं। इसी को लेकर के कई मुद्दे ऐसे हैं जो इनको मैंने दिए हैं,
और मांग की है कि जगह जगह हर गांव में हर ग्राम प्रधान की बैठक पे या ग्राम प्रधान को लेकर के जो उचित जगह हो वहां पर कैंपिंग हो, उसमें जो है मलेरिया की, डेंगू की, ये सारी दवाओं की सुविधा करी जा, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 8 दिन में एक कैंप हर गांव में प्रधान द्वारा तो CSC के मतलब जो माध्यम से लगना चाहिए और दवा मुहैया करानी चाहिए, ताकि जो गरीब मजदूर आदमी है जिस पर पैसा नहीं है उसको दवा की पूर्ति हो और वो बीमारियों से निजात पाए। किस तरह का आश्वासन दिया गया आपको? देखिए, मैंने ज्ञापन दिया है, पूरी उम्मीद है डॉक्टर साहब से, मतलब जो है, और दूसरा डॉक्टर साहब ने ये मुझसे बात रखी है कि कुछ NM जो हैं बाहर ट्रेनिंग पर गई हैं, जैसी वो आ जाती हैं तो इसका जो है जल्द से जल्द इंतजाम किया जाएगा, जगह जगह कैंप लगाए जाएंगे। दवाइयों की किट के लिए उन्होंने ऑर्डर मुझे दिखाया है, दवाइयों के लिए किट का ऑर्डर तो उन्होंने किया है, अब ये देखते हैं कि कहाँ कहाँ कितने गाँवों में इसको बंटवाया जाएगा, कहाँ कहाँ कैंप लगाए जाएंगे। ठीक।